नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार पुनः टारबितालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। मैं गौरव निरंजन आपका स्वागत करता हूं भूगोल विषय के साथ। एनटीपीसी की परीक्षा जो संभावित है जनवरी में होने के लिए, इस परीक्षा का एक हमारे संस्थान के द्वारा 55 दिन का एक क्रैश कोर्स लाया जा रहा है। पिछली बार हम लोगों ने जब ये फॉर्म आया था, जब हमने एनटीपीसी का बैच चलाया था, जिसमें हजारों बच्चों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया, हमारे यहाँ एडमिशन लिया और उनकी कक्षाएं संचालित की गई, उनको करंट्स दिया गया, करंट्स का नोट्स जितना उनसे प्रॉमिस किया गया था, पीडीएफ टेस्ट सीरीज अभी नहीं दिया गया क्योंकि परीक्षा तिथि जब आ जाती है तभी हमारा संस्थान टेस्ट सीरीज देता है। इस कोर्स 55 दिन का ये कोर्स है और इस कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए या एंट्री लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए एक नंबर जारी किया गया है। इस नंबर को आपको अपने मोबाइल में सेव करना है, 9118606677। इसको अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सएप के माध्यम से एनटीपीसी एंट्री लिखकर भेज दीजिएगा। जो भी एडमिशन की प्रक्रिया है हमारे काउंसलर्स द्वारा, वो आपको समझा दी जाएगी और आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक ना। मैं भूगोल और पर्यावरण से संबंधित आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराऊंगा। कई सारे विद्यार्थी हमसे पढ़ भी चुके हैं और हमारे इंस्टीट्यूट की खासियत जानते हैं। यहाँ पर जो भी टीचर हैं सब अपने आप में योग्य हैं, जो प्रॉमिस किए जाते हैं वो प्रॉमिस आपके 100% पूरे किए जाते हैं। जो भी हमने आपसे प्रॉमिस किए थे मैंने उन सभी प्रॉमिसों को अपने पूरे किया। एक बार पुनः ये परीक्षा के लिए आप लोगों को हम लोग सूचित करते हैं, जो लोग भी इस परीक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं आइएगा और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप एंट्री करके मैसेज भेज देना है, आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। बिना किसी बात के आइए हम स्टार्ट करते हैं भूगोल। और भूगोल में आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है वायुमंडल। टॉपिक का नाम है वायुमंडल। देखिएगा, ये वायुमंडल से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वायुमंडल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वायुमंडल है क्या। तो वायुमंडल क्या है, तो अगर मैं कहूं वायुमंडल क्या है तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं, गैसें, और इन गैसों का जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है, वो भिन्न है और भिन्न प्रतिशत होने के कारण हम इसको गैसों का विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी क्या कहते हैं, गैसों का विषमांगी मिश्रण, यानी गैसों का कोई निश्चित अनुपात नहीं है, प्रत्येक गैस अलग अलग मात्रा में है, ठीक ना। जैसे ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78, ठीक ना। चलेगा, आगे देखते हैं, विषमांगी मिश्रण हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वाला कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल गैसों का मिश्रण है और वायुमंडल में जो गैसें पाई जा रही हैं वो भिन्न भिन्न परसेंटेज में पाई जाती हैं, विभिन्न प्रतिशत में, अनुपात में पाई जा रही हैं, इसलिए हमने एक शब्द यूज किया विषमांगी मिश्रण, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, तो आइए समझते हैं वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। तो हम संगठन को पहले समझेंगे, संरचना मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले हम लोग संगठन पर बात कर लेते हैं। संगठन क्या है, देखिएगा मैं संगठन बोल रहा हूं ना कि संगठन, मैं संगठन नहीं बोल रहा हूं, मैं संगठन बोल रहा हूं जो लिखा है। संगठन क्या होता है, मानव का पूछूं मैं कि मानव का संगठन क्या है, तो संगठन क्या है, तो जैसे मानव है तो मानव का निर्माण मांसपेशियों, मांस, ब्लड, ऑक्सीजन, छोटी आंत, बड़ी आंत, लंग्स, फेफड़े, त्वचा, नाखून, बाल, आंख, नाक, इनके माध्यम से मानव का निर्माण हुआ। तो ये सभी क्या है, हमारे शरीर के संगठन है, ये हमारे शरीर के संगठक हैं, ठीक ना। जिनसे मिलकर किसी वस्तु का निर्माण होता है वह उस वस्तु के संगठन कहलाते हैं या संगठक कहलाते हैं। तो वायुमंडल का निर्माण किसके द्वारा हुआ, मैंने अभी बताया है आपको कि वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, यानी वायुमंडल का निर्माण गैसों के द्वारा हुआ है। और अगर वायुमंडल का निर्माण गैसों के द्वारा हुआ है तो इन गैसों का कुछ ना कुछ अनुपात पाया जा रहा होगा, उसी अनुपात को हमने क्या नाम दे दिया यहां पर, संगठन।
तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, ठीक ना। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78%। उसके बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन, कितने प्रतिशत पाई जाती है? 21%। कितने प्रतिशत? 21%। उसके बाद पाई जाती है आर्गन आपकी 0.93%। देखिएगा, हाला में ये राउंड फिगर में लिख रहा हूं मैं, 20 दशमलव कुछ कुछ पाई जाती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी 77 पॉइंट कुछ कुछ पाई जाती है। तो हम सीधा सीधा आंकड़ा लिख रहे हैं, आप किताब में भी देखेंगे तो ऐसे मिलेगा। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, ठीक ना। उसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है 0.03%। उसके बाद अदर गैस, तो अगर अदर गैसों की बात करें तो 0.04%। और अब अगर इन सभी को ऐड कर लें तो ये ऐड करने के बाद कितना निकल के आता है? ये ऐड करने के बाद निकल के आता है 100%। कितना निकल के आता है? ये निकल के आएगा आपका 100%। तो ये वायुमंडल में गैसों का क्या है? अनुपात है, या वायुमंडल में गैसों का क्या है? वायुमंडल में गैसों का संगठन है। देखिएगा, यहीं से उसने पहला क्वेश्चन पूछ लिया आपका, यहीं से उसने पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि वायुमंडल में, एनटीपीसी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, केवल एनटीपीसी एग्जाम की बात कर रहा हूं। देखिएगा, जिस हिसाब का कोर्स मैं पढ़ाता हूं या हमारी संस्था में जो भी कोर्स है जिस हिसाब का प्रारंभ होता है उसी स्ट्रेटजी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मैंने रिसर्च की थोड़ी सी वायुमंडल पर, और वायुमंडल से संबंधित मैं थोड़े से क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। ए ये वायुमंडल से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसमें से एक प्रश्न जो मैं आपको दिखाता हूं, अभी एक ही प्रश्न पर फोकस करिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की है? वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की है? सांद्रता का मतलब यहां पर है कि वह कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस पूछ रहा है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कितनी है? 78%। और कौन सी है? नाइट्रोजन। आपको पहला क्वेश्चन मिला, हालांकि आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन तो पूछा गया है आपसे, ठीक ना। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, 78%। कई बार वो ऐसा पूछ लेता है कि वायुमंडल में किस गैस की सांद्रता सबसे अधिक है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ठीक ना। अब आइए, अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की। संरचना जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर बोलते हैं, संरचना स्ट्रक्चर इंग्लिश में, हम आम भाषा में आकार कह सकते हैं। हमारा आकार क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक ना, ये सारी चीजें। तो हमारे शरीर का संगठन क्या है? खून है, मांस है, पेशियां हैं, हड्डी हैं, ठीक ना, ऑक्सीजन है, बाल है, त्वचा है, नाखून है, आंख है, कान है, ये सब हमारे शरीर का क्या है? भाग है, यानी संगठन है। इनको, इन सभी को हमने एक व्यवस्थित क्रम से लगा दिया। यहाँ पर गर्दन बनाए, यहाँ पे ठोड़ी बनाए, यहाँ पे गाल बनाए, यहाँ पर आंख बनाए, यहाँ पे सिर बनाए, यहाँ पे थड़ बनाए, यहाँ पर पेट बनाए, जंगा बनाए, पैर बनाए, ठीक ना, सबसे नीचे तलवा बनाए। तो ये हमारे शरीर का क्या हो गया? ये हमारे शरीर की एक प्रकार की संरचना हो गई, ठीक ना। वैसे वायुमंडल की कुछ ना कुछ संरचना होगी। आइए, तो वायुमंडल की हम संरचना की बात करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। ये हमारी पृथ्वी है, ये धरातल है, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? ये हमारा धरातल है, ठीक ना। और इस धरातल के चारों ओर क्या पाई जा रही है? गैसों की परतें पाई जा रही हैं, और इन गैसों की परतों को क्या नाम दे दिया गया? वायुमंडल। क्या नाम दे दिया इन गैसों की परतों को? नाम दे दिया गया वायुमंडल। तो वायुमंडल की जो परतें हैं उन्हीं को हमने वायुमंडल की संरचना नाम दे दिया गया। वायुमंडल की जो परतें हैं उन्हीं परतों को हमने नाम दे दिया गया वायुमंडल की संरचना। तो अगर हम आधार से देखें जहां पर हम हैं, और यहां से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर अंतरिक्ष में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम वायुमंडल की कई सारी परतें मिलेंगी। तो वायुमंडल में कितनी परतें हैं भाई? तो वायुमंडल में बाबू 5 परतें पाई जाती हैं। इन्हीं 5 परतों को हम समझेंगे अभी, ठीक ना। देखिएगा, मान लीजिएगा ये हम और आप हैं, जहां पर हम और आप हैं ये धरातल है, जहां पर हम और आप पाए जा रहे हैं क्या है? धरातल है। और इस धरातल से हम जब ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो इस धरातल से हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हमें गैसों की कई सारी क्या मिलती रहेंगी?
हमें कई सारी परतें मिलती रहेंगी, लेकिन हम ऐसा नहीं बनाएंगे, थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे, ठीक ना। चलिए देखिएगा, मान लीजिएगा ये आपका धरातल है, धरातल, ये हमने वायुमंडल की पांच परतें बनाई है, ठीक ना। यहां से थोड़ा याद रखिएगा, इसको होना तो ऐसा चाहिए था, वैसे ईमानदारी से ऐसा होना चाहिए था, ठीक ना, लेकिन हमने ऐसा ना बना के ऐसा बनाया है। क्यों बनाया है आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिएगा देखिएगा, ठीक ना, समझिएगा, जो सबसे ये धरातल है हमारा, ये धरातल है, धरातल है, और जो सबसे नीचे वाली परत होती है, इस सबसे नीचे वाली परत को एक नाम दे दिया जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर जो मंडल पाया जाता है, इस वाले मंडल को नाम दे दिया जाता है समताप मंडल। क्या नाम दे दिया जाता है? नाम दे दिया जाता है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद जो मंडल पाया जाता है, इसको एक नाम दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद जो मंडल पाया जाता है, इस मंडल को नाम दे दिया जाता है आयन मंडल। क्या नाम दे दिया जाता है? आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद जो मंडल है, इस मंडल को एक नाम दे दिया जाता है बाह्य मंडल। क्या नाम दे दिया जाता है? बाह्य मंडल। तो ये वायुमंडल की पांच परत है, ये वायुमंडल की पांच परत है, समझिएगा। यहां से आधार से लेकर लगभग 13 किलोमीटर, यहां पर 13 किलोमीटर तक, आधार से लेकर 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है, और यहां पर आधार मतलब 0 किलोमीटर। तो जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर भी होती है, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक भी होती है। कहां तक होती है? 18 किलोमीटर तक भी होती है। उसके बाद लगभग 40 किलोमीटर तक हमारा समताप मंडल पाया जाता है। 40 किलोमीटर के बाद 80 किलोमीटर तक हमारा मध्य मंडल पाया जाता है। 80 किलोमीटर के बाद 400 किलोमीटर तक हमारा आयन मंडल पाया जाता है, और फिर इनफाइनाइट हमारा क्या पाया जाता है? बाह्य मंडल, ठीक है ना। हम एक एक से इसको समझेंगे, एक एक से हम इन चीजों को समझेंगे, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं क्षोभ मंडल की। सबसे पहले हम चर्चा किसकी करते हैं? तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल, और इनका इंग्लिश जरूर याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्षोभ मंडल समझा रहा हूं, तो क्षोभ मंडल को समझिएगा। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जो आपका है, इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्षोभ मंडल बाह्य मंडल से होते हुए सूर्य का प्रकाश आता है, और सूर्य का प्रकाश कहां पर आता है? सूर्य का प्रकाश धरातल पर आता है। जहां पर ये हमारा धरातल है, बॉटम है, यहां पर कई सारी नदी होंगी, यहीं पर हमारे सागर होंगे, और यहीं पर हमारे क्या होंगे? यहीं पर हमारे महासागर भी होंगे, यानी पानी के कई सारे यहां पर स्रोत होंगे, जैसे सागर है, महासागर है, नदी है, तालाब है, झरने हैं, ये सारे कहां पे पाए जाएंगे? धरातल पर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की परतों से होते हुए धरातल पर आएगा, तो धरातल करता क्या है? धरातल पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करता है, और कुछ मात्रा में ऊष्मा को क्या कर देता है? कुछ मात्रा में ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। कुछ मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करता है और कुछ मात्रा में ऊष्मा को परावर्तित कर देता है धरातल। जबकि जल क्या करेगा? जहां पर जल होगा, जल करता क्या है कि जल का जो भाग गर्म हो जाता है, जल का जो भाग गर्म हो जाता है, वह पानी के साथ वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक ना। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जल का जो भाग गर्म हो जाता है, वह क्या हो जाता है? वह वाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? वह वाष्पीकृत हो जाता है। जब वाष्पीकृत यहां से होगा, तो वाष्पीकरण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? वाष्पीकरण के बाद बादलों का निर्माण होता है। तो बादलों का निर्माण केवल इसी मंडल में होगा। बादल 14 या 13 या 15 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो क्षोभ मंडल में क्या है? क्षोभ मंडल में तापमान अधिक होने के कारण, क्षोभ मंडल में तापमान अधिक होने के कारण जो जलीय भाग हैं, उन जलीय भागों का वाष्पीकरण होगा, और जलीय भागों का वाष्पीकरण होने के बाद उनसे किसका निर्माण हो जाएगा? उनसे बादल। तो बादलों का निर्माण हो गया यहां पर क्षोभ मंडल। बादलों का निर्माण जब हो जाएगा, तो बादलों में संघनन की प्रक्रिया होगी, और संघनन की प्रक्रिया होने के बाद यहां पर क्या हो जाएगी? वर्षा।
तो वर्षा या बादलों का बनना या कोहरा का बनना, जो भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं वो सभी मौसम संबंधित घटनाएं जिस मंडल में घटित होती हैं उस मंडल का नाम है क्षोभ मंडल। अब बाष्पीकरण हुआ, बादल बने, यदि इन बादलों में संघनन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो हिम के रूप में वर्षा हो जाती है, और हिम के रूप में होने वाली वर्षा को हम हिमपात भी कहते हैं या ओलावृष्टि नाम से जानते हैं। हिमपात भी कह सकते हैं या किस नाम से जानते हैं, ओलावृष्टि। तो क्षोभ मंडल की विशेषता है ये कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित या मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती, मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती, सभी घटनाएं घटित होती हैं, मौसम संबंधित सभी घटनाएं घटित होती हैं। कहां पर, कहां पर घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, ठीक ना। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई में सीधा सीधा बना सकता था, नहीं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होती है, कहीं पर 13 किलोमीटर होती है, कहीं पर 18 किलोमीटर होती है, कहीं पर कितना होती है 13 किलोमीटर होती है, कहीं पर कितना होती है 13 किलोमीटर होती है, तो कहीं पर कितना होती है 18 किलोमीटर होती है, ठीक ना, समझिएगा बात, इसको आप बनाइएगा, फिर मैं या दूसरा पेज ले लेता हूं, देखिएगा। क्षोभ मंडल को एक और नाम दे दिया जाता है, क्षोभ मंडल को नाम दिया जाता है संवहन मंडल। क्या नाम दे दिया जाता है, क्षोभ मंडल को एक और नाम से जानते हैं, संवहन मंडल। इस संवहन मंडल क्या होता है, जब टेम्परेचर अधिक होता है तो जो धरातल है, ये धरातल है, जब धरातल का टेम्परेचर अधिक होगा तो धरातल की जो वायु है वो वायु गर्म हो जाती है। धरातल की वायु कैसी हो जाएगी, धरातल की वायु गर्म हो जाती है। हम गर्म वायु उस वायु को कहते हैं जिसमें नमी की मात्रा नहीं पाई जाती है, हम गर्म वायु उस वायु को कहते हैं जिसमें नमी की मात्रा नहीं हो, यानी इसमें नमी की मात्रा नहीं है, और जिसमें भी नमी की मात्रा नहीं होगी वह हमेशा हल्की होगी। वह हमेशा कैसी होती है, हल्की होती है। तो वायु गर्म होने के बाद जब इसमें नमी की मात्रा नहीं होगी तो यह हल्की हो जाएगी, और जब वायु हल्की हो जाती है तो वायु कहां उठती है, ऊपर उठती है। तो वायु के गर्म होकर ऊपर उठने की प्रक्रिया को, वायु के गर्म होकर ऊपर उठने की प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को एक नाम दे दिया जाता है संवहन। क्या नाम दिया जाता है, संवहन। और इस संवहन की प्रक्रिया जिस मंडल में होती है उस मंडल का नाम है क्षोभ मंडल, इसलिए क्षोभ मंडल को एक और नाम दे दिया गया, और क्षोभ मंडल को नाम दे दिया गया संवहन मंडल। क्या नाम दे दिया गया, संवहन मंडल, इसको नाम दे दिया गया, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो यह हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, हमारी गैसें हैं। यहां पर एक रेखा होती है और इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, और जो बच्चे हमसे पहले भी पढ़े हैं आप लोग बताइएगा इनको, जो पहले पढ़े हैं ये बात कई जिक्र मैंने पहले भी किया है, हर एक लेक्चर में जिक्र करता हूं, जब भी तापमान से संबंधित बातें बताता हूं। विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होता है, विषुवत रेखा पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। अब ये बताइएगा, यदि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होगा, और विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण, विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण वायु अधिक मात्रा में गर्म होगी, और जितनी वायु अधिक मात्रा में गर्म होगी उतनी अधिक ऊंचाई तक जाएगी, जितनी अधिक वायु गर्म होगी उतनी वायु अधिक ऊंचाई तक जाएगी। और ध्रुवों पर, यहां पर 90 डिग्री N है उत्तरी ध्रुव, और यहां पर 90 डिग्री S है दक्षिणी ध्रुव, और ध्रुवों पर कम तापमान होने के कारण, ध्रुवों पर कम तापमान होने के कारण होता क्या है, ध्रुवों पर कम तापमान होने के कारण वायु कम मात्रा में गर्म हो पाएगी, या ना के मात्रा में, ना के बराबर गर्म होती है, और जब वायु गर्म नहीं होगी तो वायु ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो इसमें क्या पाई जाएगी, नमी पाई जाएगी, और नमी पाई जाएगी तो भारी होगी, और भारी होने के कारण कहां रहेगी, नीचे। तो अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल जहां पर विषुवत रेखा है, जहां पर टेम्परेचर अधिक है, वहां तक अधिक ऊंचाई तक वायु जाएगी तो वहां पर उसकी ऊंचाई अधिक होगी, वहां पर उसकी ऊंचाई अधिक होगी। अगर मैं ऐसा बनाया हूं, अगर मैं इसको ऐसा बनाया हूं, इसका मतलब है यहां पर मैंने विषुवत रेखा मानी, और विषुवत रेखा से अधिक ऊंचाई तक, विषुवत रेखा से अधिक ऊंचाई तक वायु जा रही है, और धीरे 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 इसका आकार घट रहा है। जब धीरे धीरे इसका आकार घट रहा है मतलब वायु कम ऊंचाई तक जा रही है, वायु कम ऊंचाई तक तभी जाएगी जब टेम्परेचर कम होगा। मतलब यहां पर मैंने 0 डिग्री माना था, और यहां पर मैंने कौन सा माना, यहां पर मैंने 90 डिग्री माना, 90 डिग्री N माना मैंने, या 90 डिग्री S माना, उत्तर ध्रुव माना या दक्षिण ध्रुव माना, समझिएगा बात को। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे या विषुवत रेखा से नीचे की ओर जाएंगे, वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी,
वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हम विषुवत रेखा से यदि उत्तर ध्रुव की ओर जाएं या विषुवत रेखा से यदि हम दक्षिण ध्रुव की ओर जाएं तो तापमान में कमी आती है। जब तापमान में कमी आएगी तो सीधी सी बात है वायु कम ऊंचाई तक जाएगी, धीरे 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 वायु की ऊंचाई क्या होती जाएगी, धीरे धीरे वायु की ऊंचाई क्या होता जाएगी, कम होती जाएगी। अगर मैंने यहां पर अधिक ऊंचाई वाला बनाया है क्षेत्र, इसका मतलब है ये विषुवत रेखीय क्षेत्र का डायग्राम है, और यहां पर कम ऊंचाई तक जा रही है इसका मतलब है ये कहां पर है, ये ध्रुवीय क्षेत्र का है। बोलिएगा, एक विषुवत रेखीय क्षेत्र का बनाया हमने और एक कहां का बनाया, एक हमने विषुवत रेखीय क्षेत्र का बनाया। बोलिएगा, इतनी बात सही है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन बनेगा किस मंडल को संवाहन मंडल के नाम से जानते हैं, किस मंडल से संवाहन मंडल को किस मंडल को संवाहन मंडल के नाम से जाना जाता है, तो क्षोभ मंडल। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, और यहां पर देखिएगा मैंने मेंशन भी किया है जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा वो क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपका देखिएगा, किस मंडल मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो मौसमी घटनाएं जिस मंडल में घटित होती हैं उस मंडल का नाम है क्षोभ मंडल। उस मंडल का नाम क्या है, क्षोभ मंडल। और यहां पर थी वायुमंडल में सर्वाधिक, वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की है, तो यहां पर हो जाएगा नाइट्रोजन, यहां पर हो जाएगा नाइट्रोजन। हमें तीन दो क्वेश्चनों के आंसर मिल गए। आइएगा फिर से आते हैं अपने पॉइंट पर, ठीक है ना, देखिएगा अब क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर समताप मंडल पाया जाता है, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है, समताप मंडल। तो जो समताप मंडल है इसके बारे में बात करते हैं, समताप मंडल, समताप मंडल, और समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक ना, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, ठीक ना, समताप मंडल, समझिएगा। आपको कुछ समझ आ रहा है, समताप, आपको कुछ समझ आ रहा है, समताप मतलब एक ऐसा मंडल जहां पर तापमान एक समान हो, तापमान क्या हो, तापमान एक समान हो, जहां पर तापमान एक समान हो उसको क्या नाम दे दिया गया, उसको नाम दे दिया गया समताप मंडल, क्या नाम दे दिया गया, समताप मंडल। अब बताइएगा जब समताप मंडल में तापमान एक समान पाया जाएगा, जब समताप मंडल में एक समान तापमान पाया जाएगा तो क्या यहां पर कोई भी मौसमी घटना घटित होगी, कोई भी यहां पर मौसमी घटना घटित होगी, मौसमी घटना, तो मौसमी घटनाएं घटित नहीं होंगी, घटित नहीं होंगी, मौसमी घटना घटित नहीं होंगी। जब यहां पर मौसमी घटनाएं घटित नहीं होंगी तो यहां का जो वायुमंडल होगा या जो यहां का हम कह लीजिएगा जो यहां का वातावरण होगा या जो यहां का वायुमंडल होगा, कहां का, समताप मंडल का वायुमंडल एकदम यहां पर क्या पाया जाएगा, यहां पर वायुमंडल स्वच्छ पाया जाएगा। और जब यहां पर वायुमंडल स्वच्छ पाया जाएगा तो हम यहां पर क्या उड़ाएंगे, तो हम यहां पर क्या उड़ाते हैं, यहां पर हम वायुयान उड़ाते हैं, यहां पर हम क्या उड़ा देते हैं, तो यहां पर हम उड़ा देते हैं वायुयान। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार और ये अमूमन आप लोग जानते भी होंगे कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो वायुयान जिस मंडल में उड़ाए जाते हैं उस मंडल का नाम क्या है, तो उस मंडल का नाम है समताप मंडल। मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में घटित नहीं होती हैं, समताप मंडल। वह कौन सा मंडल है जिसका तापमान हमेशा एक समान रहता है, तो वह कौन सा मंडल जहां पर तापमान एक समान पाया जाता है, समताप मंडल, ठीक ना। अगला समझिएगा इसी में, ये जो समताप मंडल है इस समताप मंडल में ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है, ये क्या है, यहां पर ओजोन गैस की एक लेयर है, OZON, ओजोन लेयर, यहां पर एक लेयर पाई जाती है, और कौन सी लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या करती है इसके बारे में आप लोग जानते हैं, जो विद्यार्थी जो दोस्त नहीं जानते हैं जो मित्र नहीं जानते मैं बता देना चाहता हूं कि सूर्य से आठ प्रकार का प्रकाश आता है, एक्सरेज, गामा रेज, ठीक ना, एक्सरेज है, गामा रेज है, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेज, विजुअल रेज, माइक्रो रेज और रेडियो रेज, ये आठ प्रकार का प्रकाश आता है, बहुत खतरनाक है ये, जिसमें कॉस्मिक रेज, गामा रेज, ठीक ना, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज और इंफ्रा और आपका अल्ट्रावायलेट रेज बहुत हानिकारक होती है।
तो शुरुआत के तीन किरण है, कौन सी? कॉस्मिक, गामा और एक्स। ये हमारे वायुमंडल में जैसे एंट्री करती हैं, यहां पर आयन होते हैं वह उनको नष्ट कर देते हैं। इस परत तक, जो ओजोन परत है, इस परत तक एक गैस पहुंच पाती है, और यहां तक जो गैस पहुंचती है उसका नाम है अल्ट्रावायलेट रेज, परावैगनी किरण है। कौन सी किरण है? परावैगनी किरण है। तो ये क्या करती है, ओजोन लेयर हमारी करती क्या है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और हमारे धरातल पर आने से रोकती है। चूंकि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जा रही है, इसलिए समताप मंडल को एक नाम और दे दिया गया, और समताप मंडल को एक नाम दे दिया गया ओजोन मंडल। समताप मंडल को एक और नाम दे दिया गया, और इसको एक नाम क्या दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया ओजोन मंडल। अगर आपसे कोई पूछे ओजोन मंडल किसे कहा जाता है, समताप मंडल को। ओजोन मंडल करता क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैगनी किरण है, जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करती है, उनसे हमारी सुरक्षा करती है। यहां पर अगर मैं थोड़ा आपको पर्यावरण में ले चलूं, तो धरातल से कई प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं। सबसे हानिकारक एक गैस है जो हमारे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, या प्लास्टिक को जलाने से उत्पन्न होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम क्या है गैस का? नाम है गैस का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम सीएफसी गैस कहते हैं। इस सीएफसी गैस यहां से निकलने के कारण क्या कर रही है, ओजोन परत में लगातार नीचे से टक्कर मार रही है। ओजोन गैस में लगातार नीचे से क्या कर रही है, टक्कर मार रही है। ओजोन गैस जो ओजोन परत है उसमें क्षति पहुंचा रही है, और इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है ओजोन क्षरण। क्या नाम दे दिया जाता है? इस प्रक्रिया को नाम दे दिया जाता है ओजोन क्षरण। पूछा गया क्वेश्चन, ओजोन क्षरण क्या है? ओजोन मतलब ओजोन गैस की परत की बात हो रही है, और क्षरण मतलब कमी। क्षरण का मतलब क्या है? क्षरण का मतलब है कमी। तो ओजोन गैस की जो परत है, जो ओजोन परत है, उसमें सीएफसी गैस के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण, उसमें सीएफसी है, और भी गैसें हैं जो उस पर प्रभाव डालती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालती है वो सीएफसी ही डालती है। तो धरातल से निकलने वाली सीएफसी एवं अन्य गैसों के द्वारा ओजोन परत में होने वाली क्षति को हम ओजोन क्षरण कहते हैं। ओजोन क्षरण, लगातार ओजोन क्षरण हो रहा है, लगातार सीएफसी गैस में वृद्धि हो रही है, और सीएफसी गैस में वृद्धि होने का कारण हमारे एयर कंडीशनर, हमारे रेफ्रिजरेटर या फिर प्लास्टिक को जलाना, इनसे सीएफसी गैस निकलती है। तो ओजोन क्षरण में कमी हो रही है, या ओजोन परत में कमी आ रही है, ओजोन क्षरण हो रहा है। लगातार ओजोन क्षरण होने के कारण इस ओजोन गैस की परत में, इस ओजोन गैस की परत में एक छिद्र हो गया है। ओजोन गैस की परत में एक छिद्र हो गया है, एक छिद्र हो गया है, ठीक ना। यहां पर हम बना देते हैं पूरा छिद्र, यहां से, हाँ, छिद्र हुआ है, छोटा सा बना देते हैं। ओजोन परत में एक क्या हो गया है, यहां पर एक छिद्र हो गया है, और छिद्र हो जाने के कारण पर्याप्त मात्रा में, छिद्र हो जाने के कारण यहां पर एक छिद्र हो गया है, छिद्र हो जाने के कारण पर्याप्त मात्रा में सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, परावैगनी किरण है, हमारे धरातल तक पहुंच रही है, धरातल तक पहुंच रही है। और इनके धरातल पर पहुंचने से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, अनुवांशिक रोग, कैंसर, आंखों की बीमारियां, और साथ ही साथ हमारे धरातल का दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो धरातल के दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग मतलब उष्मन कह लीजिएगा आप, लगातार पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते रहना, हमने उसको नाम दे दिया ग्लोबल वार्मिंग, ठीक ना। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अनुवांशिक रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, लगातार पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यदि लगातार ऐसे ही ओजोन क्षरण होता रहा, या लगातार ऐसे ही सीएफसी या अन्य ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती रही, तो धीरे 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 क्या होगा, ओजोन परत पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और जब ओजोन परत पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, तो सूर्य से आने वाला परावैगनी प्रकाश या परावैगनी किरण है, धरातल पर आ जाएंगी, और जब वो धरातल पर आ जाएंगी तो कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, सीएफसी गैस। और दूसरा पूछा गया क्वेश्चन है, सीएफसी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है एसी रेफ्रिजरेटर से, एसी से एयर कंडीशनर और आपके फ्रिज, जिसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, शीतलीकरण की मशीनों से। एसी किसको शीतल करता है, कमरे को, फ्रिज किसको शीतल करता है, पेयजल को, पेय पदार्थों को शीतल करता है, ठीक ना। तो ये हमारा कौन सा मंडल था, ये हमारा जो मंडल था, इस मंडल का नाम है समताप मंडल। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे देखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमें अगला मंडल मिलेगा मध्य मंडल। कौन सा मंडल है? मध्य मंडल। और मध्य मंडल को हम लोग मीजोस्फीयर बोलते हैं, MISO SPHERE, मीजोस्फीयर। क्या नाम दिया जाता है? नाम दिया जाता है मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है वो समताप मंडल, यहां पर समताप है, समताप, ठीक ना। तो मध्य मंडल जो है वो समताप मंडल और आयन मंडल के मध्य में है, और मध्य में होने के कारण ना तो अधिक मात्रा में प्रकाश ऊपर से आ पाता है और ना ही नीचे से जा पाता है। नीचे से पृथ्वी, हमने बताया था कि धरातल ऊष्मा को अवशोषित करता है, और जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है फिर उसको परावर्तित भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। इस प्रक्रिया को ऊष्मा बजट कहा जाता है, आपके सिलेबस में नहीं है, बड़ी परीक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो ना तो धरातल से प्रकाश पहुंच पा रहा है, और ऊपर से प्रकाश आता है तो धीरे धीरे धरातल पर आ जाता है सीधे। मध्य मंडल में किसी भी प्रकार के प्रकाश की अवरोध उत्पन्न नहीं हो पाता, और अवरोध जब तक उत्पन्न नहीं होगा प्रकाश में, जब तक वहां का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। भाई प्रकाश की किरण जा रही है, अगर आप रोकेंगे किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से तभी तो प्रकाश रुकेगा, अगर आप रोकेंगे नहीं तो सीधा सीधा प्रकाश चला जाएगा। तो बीच वाले क्षेत्रों का क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो मध्य मंडल में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यहां से सीधे चले जाता है। हम सूर्य का प्रकाश नहीं लिखेंगे, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने, ये सबसे ठंडा मंडल है। वायुमंडल का सबसे शीतल मंडल किसे कहा जाता है? तो शीतल मंडल के नाम से कौन सा मंडल फेमस है? तो शीतल मंडल हम मध्य मंडल को कहते हैं। तो मध्य मंडल को क्या नाम दे दिया जाता है? मध्य मंडल को नाम दे दिया जाता है ठंडा मंडल, सबसे ठंडा मंडल, ठीक ना, ठंडा मंडल या शीतल मंडल, ठीक ना। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसको छोड़िएगा। अब आते हैं आयन मंडल। कौन सा मंडल है? तो अब जो मंडल है इस मंडल का नाम है आयन मंडल। क्या नाम है मंडल का? नाम है आयन, आयन मंडल। और आयन मंडल को इंग्लिश में आयनोस्फीयर बोलते हैं, IONOSPHERE, आयनोस्फीयर। आयन मंडल का नाम इसलिए आयन मंडल है क्योंकि इसमें आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयन। और आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन होता है और क्या होता है? और ऋणायन होता है। आयन मंडल में आयन पाए जाते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, दो प्रकार के आयन होते हैं। हम यहां पर धरातल पर हैं हम, और यहीं पर हमारा इसरो है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस इसरो। हम जो भी, हम या कोई भी अन्य देश जो धरातल पर रहते हैं, हमने अपने यहां की बात की, इसरो अमेरिका नासा हो गया, जो भी धरातल से उपग्रह, संचार उपग्रह, जो भी धरातल से संचार उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, प्रक्षेपित मतलब होता है भेजना, बाह्य अंतरिक्ष में भेजना, जो भी धरातल से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं वो उपग्रह जिस मंडल में स्थापित किए जाते हैं उस मंडल का नाम है आयन मंडल। तो आयन मंडल में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। आयन मंडल में क्या स्थापित किए जाते हैं? तो आयन मंडल में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अब भाई क्वेश्चन आता है कि आयन मंडल में हम आयन क्यों स्थापित करते हैं, क्यों यहीं पर आयन मंडल में यहीं पर क्यों उपग्रह लगाते हैं? भाई उपग्रह तभी कार्य करेगा जब उसके उपग्रह में क्या होनी चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा होगी तभी तो कार्य करेगा। ऊर्जा मतलब उसमें बैटरी होनी चाहिए तभी कार्य करेगी। और बैटरी हम इसमें यहां से रखकर भेजते हैं उपग्रह में, और बैटरी वहीं पर कार्य करेगी, बैटरी वहीं पर कार्य करेगी जहां पर उसे आयन की प्राप्ति होगी, यानी जहां पर बैटरी को धनायन और ऋणायन मिलेंगे वहीं पर बैटरी अपना कार्य संचालित कर पाएगी। तो चूंकि इस मंडल में आयन पाए जाते हैं, और आयन पाए जाने के कारण ही हम यहां पर उपग्रह स्थापित कर देते हैं। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि बताइएगा कि उपग्रह कार्य कैसे करेगा, आप कहेंगे इसमें बैटरी होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी तभी कन्वर्ट कर पाएगी जब उसमें क्या होगा, तब जब उसमें आयन होगा, ठीक ना। दूसरी बात, जो हमारे उपग्रह होते हैं, तो हमने यहां पर इस वाले मंडल में उपग्रह लगा दिए, पृथ्वी से सैटेलाइट के ओर हम यहां से रेडियो तरंग भेजते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता हुआ कौन सा मंडल है जहां से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पुनः धरातल पर लौट आती हैं। आज हम और आप जो सेलफोन, जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, इसमें जो तरंगे हैं ये रेडियो तरंग है, इसमें जो तरंगें पाई जा रही हैं ये कौन सी तरंगें हैं? ये रेडियो तरंगें होती हैं। तो हम जब भी, आप और हम जब भी कॉल करते हैं, और आपने देखा होगा जब हमारा नेटवर्क नहीं आता है हम ऊपर की ओर ऐसे करते हैं, ऊपर, सॉरी,
ऊपर की ओर करते हैं अपना मोबाइल या छत पर चढ़ जाते हैं। भाई छत पर क्यों चढ़ते हैं, नीचे चले जाइएगा। अगर तल घर हो आपके यहाँ, तल घर मतलब जमीन के अंदर घर, तो उसमें चले जाइएगा। नहीं, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि रेडियो तरंग कहाँ की ओर भेजना है, ऊपर भेजते हैं। ऊपर कहाँ भेजते हैं, आयन मंडल में। आयन मंडल में क्यों भेजते हैं, क्योंकि आयन मंडल में क्या पाए जाते हैं, उपग्रह। और उपग्रह क्या करता है, जो आपके रेडियो तरंगे हैं, जो आपकी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को अवशोषित करता है और उन्हें पुनः धरातल पर भेज देता है। मान लीजिएगा आप यहां पर हैं और यहां पर एक अन्य पर्सन है, आपने उसको कॉल की, आपने उसको कॉल जब की, तो जो रेडियो तरंगे होंगी वो आपका टावर कैच करेगा, उस टावर से रेडियो तरंगे उपग्रह के पास जाएंगी, उपग्रह उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिस को आपने नंबर डायल किया है, उस फ्रीक्वेंसी को ढूंढेगा जहां पर वो व्यक्ति होगा, उस रेडियो उस टावर के पास सूचना जाएंगी और उस टावर से व्यक्ति के पास सूचना आएंगी। इतना पूरा कार्य होता है किनके माध्यम से, रेडियो तरंग। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडियो तरंग किस माध्यम रेडियो तरंग किस मंडल से परावर्तित होकर पुनः धरातल पर आ जाती है, तो रेडियो तरंग जिस मंडल से परावर्तित होकर पुनः क्षोभ मंडल में या धरातल पर आ जाती हैं, उस मंडल का नाम है आयन मंडल। आयन कहां पर पाए जाते हैं, आयन मंडल में। उपग्रह कहां स्थापित किए जाते हैं, आयन मंडल में। ठीक है ना, इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे, हमने समझा दिया आपको। बोलिएगा कोई समस्या, चलिएगा कोई समस्या नहीं, अगला देखिएगा। सबसे ऊपर वाला जो मंडल है, एक और मंडल बचा है, इसको पढ़ लीजिएगा, बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल को हम आउटोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटोस्फीयर, OUTOSPHER, आउटोस्फीयर। वायुमंडल का जो सबसे बाहरी मंडल है, या वायुमंडल की जो सबसे बाहरी परत है, उस सबसे बाहरी परत को नाम दे दिया गया बाह्य मंडल। उस सबसे बाहरी परत को क्या नाम दे दिया गया, उस सबसे बाहरी परत को नाम दे दिया गया बाह्य मंडल। ठीक ना, ये जो बाह्य मंडल है, इस बाह्य मंडल में हल्की एवं अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। हल्की एवं अक्रिय गैस। अब पहले तो बात करते हैं हल्की। हमने आपको बताया था हल्का कौन होगा, किसमें वेट नहीं होगा, किसमें वजन नहीं पाया जाएगा, जिसमें नमी की मात्रा नहीं होगी। और जिसमें नमी की मात्रा नहीं होगी वो हल्की होगी, और जो हल्का होगा वो हमेशा कहां पर होगा, वो हमेशा टॉप पर होगा। और सबसे टॉप वाली परत का नाम बाह्य मंडल, चूंकि हल्की बहुत ज्यादा होती है, हल्की होने के कारण हमेशा कहां जाती है, ऊपर जाती है। अक्रिय का मतलब ऐसी गैस जो किसी दूसरे गैस के साथ क्रिया ना करें, उन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वह कौन सा मंडल है, वह कौन सा मंडल है जहां पर अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, तो उस मंडल का नाम बताना है जहां पर अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, बाह्य मंडल। अक्रिय गैसें होती कौन कौन सी हैं, जैसे हीलियम है, जैसे नियान है, जैसे क्रिप्टान है, जैसे हीलियम है, नियान है, क्रिप्टान है, जैसे रेडान है, हीलियम, नियान, क्रिप्टान, रेडान, जैसे जीनान है, ठीक ना, ये सारी, ठीक ना, जैसे आर्गन है, ये सारी की सारी गैसें किस प्रकार की गैसें होती हैं, ये सभी गैसें जो हैं वो हल्की एवं अक्रिय गैसों के उदाहरण है। किन गैसों के उदाहरण है, अक्रिय एवं हल्की गैसों के उदाहरण है। तो बाबू आज का ये टॉपिक था वायुमंडल, और वायुमंडल की हमने संरचना समझाई आपको, वायुमंडल का संगठन समझाया। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। एक बार आइएगा, दो मिनट और लगेगा आपका। जो मैंने क्वेश्चन ढूंढ के लाया था आपके लिए, देखिएगा ये क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में या एनटीपीसी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आयन किस मंडल में पाए जाते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी, आयन जिस मंडल में पाए जाते हैं उस मंडल का नाम है आयन मंडल। क्या नाम है, उस मंडल का नाम है आयन मंडल। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओजोन मंडल किस मंडल को कहा जाता है, हम ये भी क्वेश्चन आया है, हमने ये भी पढ़ाया आपको। ओजोन मंडल किस मंडल को कहा जाता है, तो समताप मंडल को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है, परत कौन सी है, तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को हम बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन करा दिया। वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की पाई जाती है, नाइट्रोजन की, ये भी करा दिया। उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, तो उपग्रह जिस मंडल में स्थापित किए जाते हैं उसका नाम है आयन मंडल। ठीक ना, उसके बाद किस मंडल में अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, तो जिस मंडल में अक्रिय गैसें पाई जाती हैं उस मंडल का नाम है बाह्य मंडल। ठीक है मित्रों, तो आज का ये सेशन था। एक बार पुनः आप लोगों को अवगत करा देते हैं, हमारे यहाँ 55 दिन का एक एनटीपीसी का कोर्स प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आपको सारे अनुभवी टीचरों से आप परिचित हैं, सभी अनुभवी टीचर आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे। बस
सफलता पाने में इतनी देरी है जितना आपको मोबाइल उठाना है अपना और उस मोबाइल में आपको ये नंबर सेव करना है। नंबर है 9118606677 और नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप पर चले जाना है, एनटीपीसी एंट्री लेकर इसी नंबर पर आपको सेंड कर देना है। मात्र आपकी सफलता में इतनी देरी है, हद से हद 2 मिनट का कार्य है, तो 2 मिनट का कार्य जल्दी से करिएगा और उसके बाद हमारे काउंसलर्स आपको कॉल करेंगे और एडमिशन की प्रक्रिया बताई जाएगी, उसमें आप एडमिशन लीजिएगा और बेजोड़ तैयारी कीजिएगा हमारी अनुभवी टीम के साथ। आप जानते हैं हम उत्तर भारत के सबसे अच्छे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। विगत जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, जो जो प्रॉमिस हमने किए हैं एक एक प्रॉमिस पूरा किया है। एक बार नंबर में फिर से बता देना चाहता हूं, 9118 9118606677। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप, याद रहे व्हाट्सएप के माध्यम से एनटीपीसी एंट्री लेकर भेज देना है, एडमिशन की प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी। ठीक ना मित्रों, तो आज यही रखते हैं, गुड नाइट।